मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने झोपड़पट्टी के एक कमरे से नकली नोट छापने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। यहां बरामद नोट ऐसे कि असली और नकली नोटों की पहचान करना भी मुश्किल। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाने वाले इन छापामार लोगों को पकड़कर गिरफ्तार किया है। एकदम नए नए करारे नोट पहचानना बेहद मुश्किल। कौन है असली, कौन है नकली? मानखुर्द इलाके के सोना नगर के घर से बरामद इन नोटों की कीमत करीब 7,16,000 रुपए है। इस नकली नोटों की खेप को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने जाल बिछाया था और देश की आर्थिक राजधानी की एक झोपड़पट्टी से आरोपी रोहित शाह को रंगे हाथ पकड़ लिया। एक A4 साइज के पेपर पे दो नोट प्रिंट करता था। ये जो A4 साइज पेपर है, इस पे दो नोट प्रिंट होता था, एक इस तरफ और इसके बाद एक कटर से इसको कट कर देता था। अच्छा, ये जो कटर है क्या करते थे इससे? एक कटर है, कटर नोट के साइज का। मुंबई के मानखुर्द पुलिस ने इस आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब ये रात के अंधेरे में नकली नोटों की छपाई कर रहा था। हालांकि जिस घर में अपराधी 2 महीने से रह रहे थे, उसकी मकान मालकिन सफाई दे रही है कि उन्हें खुद इस तरह के काम की भनक तक नहीं थी। तो ऐसा लगता था सर, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दो जन शायद, पहले तो एक जन थे, बट दूसरी बार मेरे को लगा दो जन रहते थे शायद, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा था, बट ये नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको ऐसा कुछ लग रहा था पढ़ाई कर। ऐसे नकली नोट जिसकी पहचान एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। पुलिस के मुताबिक 50, 100 और 200 के नोटों की छपाई बेहद शातिराना तरीके से की जा रही थी। पुलिस अधिकारी खुद हैरान रह गए थे जब इन्होंने इन नोटों को देखा। जैसा सर बता रहे थे कि 100, 200 और 50 का नोट इसलिए ही वो प्रिंट कर रहा था जो आम तौर पर लोग चेक नहीं करते। जब भी हम नकली नोट है या असली, ये चेक करते हैं 500 और 2000 की नोट को। छोटे डिनोमिनेशन के नोट लोग चेक नहीं करते और इसी का फायदा उठाने की कोशिश ये गैंग कर रहा था। इस गैंग ने देश की अर्थव्यवस्था को एक लंबी चपत लगाई होगी, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है ताकि ये नोट कैसे सर्कुलेट हो रहा था, कैसे बाजार में पहुंचाया गया, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी पूरी तह तक जाया जा सके। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।